हेलो गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का भूमिगत नौसैनिक अड्डा। दुश्मन ने कभी सोचा नहीं था भारत ऐसा भी करेगा। मतलब इंडिया शायद कोई अपना अड्डा बनाने जा रहा है नौसैनिक नेवी का, या बना चुका है। तो मतलब काफी शॉकिंग है। तो देखते हैं कौन सा अड्डा बनाया वजाहत। तो टेक्नोफीरिया की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अड्डा बना रहा है। ये अड्डा भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बी जैसे INS परमाणु घाट और INS वर्षा का ठिकाना होगा, जो भारत देश की नौसेना की क्षमता को अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज मतलब क्यूँ भारत को अब इस तरह के नौसैनिक अड्डे की जरूरत महसूस होने लगी है, और इस नौसैनिक अड्डे के लिए आखिर विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतीय नौसेना का मुख्यालय पूर्वी विशाखापट्टनम में स्थित है। इस जगह 50 से अधिक जंगी जहाजों का आना जाना होता है। ये जगह चारों तरफ से घिरा होने की वजह से ये भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के लिए काफी सुरक्षित है। इसके पास ही विशाखापट्टनम का सी पोर्ट है, जहाँ बड़ी संख्या में व्यापार होता है। सी पोर्ट और भारतीय नौसेना के अड्डे का आने जाने का रास्ता एक ही है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर अक्सर काफी भीड़ भाड़ लगी रहती है। ऐसे में भारतीय नौसेना का अड्डा बनाना इस जगह इसलिए जरूरी है ताकि यहाँ की भीड़ को कम किया जा सके। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह अंतरिक्ष में दुश्मन देश के आंख यानी सैटेलाइट है। ये जो तस्वीरें है ये आसानी से सैटेलाइट के जरिए गूगल मैप में मिल जाता है, जो भारत मतलब गूगल मैप में देख मिली। सारी बात है, छोटी से छोटी हरकतों पर दुश्मनों की नजर। अमेरिका की भी हो सकती है, अमेरिका, चाइना। हमारे परमाणु पनडुब्बी जैसे INS अरिहंत से जुड़ी सूचनाएं दुश्मन देश तक पहुंचाई जा सकती है। INS अरिहंत की खासियत यह है कि ये लंबे समय तक समुद्र के भीतर रहकर लंबी दूरी के रास्ते को तय कर सकती है। तो ऐसे में दुश्मन देश का इन पनडुब्बियों का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां बंदरगाह पर पहुंचती है तो दुश्मन देश अपने सैटेलाइटों की मदद से इन पनडुब्बियों की निगरानी काफी आसानी से कर सकते हैं। युद्ध के हालातों में ये बहुत जरूरी होता है कि INS अरिहंत, जो भारत को एक न्यूक्लियर ट्रायड देश बनाता है, इस तरह की सभी पनडुब्बियों को रहस्यमय बना रहना चाहिए। इसी वजह से भारतीय नौसेना के लिए मतलब इनके लिए अलग सिस्टम बनाना जरूरी हो जाता है। ये नया नौसैनिक अड्डा बहुत सही है। 50 किलोमीटर दूर राम दिल्ली में इस जगह को इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से चुना गया है, क्योंकि इस जगह पनडुब्बियों को समुद्री सतह पर लाए बिना अड्डे में दाखिल और मिशन में भेजा जा सकता मतलब है। पानी के अंदर से जा सकते हैं। इन पनडुब्बियों की जानकारी काफी अच्छी है। यही कारण है कि ये जगह पनडुब्बियों की तैनाती के लिए गुप्त अड्डा बन सकता है। इसके अलावा इस गुप्त अड्डे में पनडुब्बियों की मरम्मत और नौसैनिकों के लिए आराम करने हर एक चीज है। वहाँ पे पता नहीं कर सकता है कि इस बंदरगाह में कितनी पनडुब्बियां तैनात है और कौन सी पनडुब्बियां। इसकी वजह से हमें युद्ध में रणनीतिक फायदा भी मिलेगा। जमीन के नीचे बने इस खुफिया अड्डे की खासियत ये भी होगी कि ये दुश्मन के परमाणु हमले को आसानी से झेल सकता है, और फिर ये पनडुब्बियां भी दुश्मन देश पर परमाणु हमला करना शुरू कर देगी। ऐसे में दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करने के लिए 100 बार सोचेंगे। इस अड्डे को न सिर्फ विशाखापट्टनम के नौसैनिक मुख्यालय केंद्र के वजह से चुना गया है, बल्कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी काफी नए परमाणु पनडुब्बियों को बनाने देख के मोशन बनाया जाता है ना। रिएक्टर को लगाने का काम भी यहीं पर होता है। इस अड्डे पर कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियों को आसानी से रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ डीजल संचालित 12 इजीली रख सकते हैं परमाणु। ये पहली बार नहीं है, अभी इंडिया में 2 है अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बना रहा हो। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भी कई ऐसे अंडरग्राउंड नौसैनिक अड्डे बनाया और उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। चीन ने भी ऐसे 6 नौसैनिक अंडरग्राउंड बेस बनाए हैं, जहाँ कम से कम 60 पनडुब्बियों को रखा जा सकता है। चीन इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर में ज्यादा ही और बना लेगा ना। इन नौसैनिक अड्डों में से सबसे बड़ा अड्डा हाइनान द्वीप पर यूलिन नेवल बेस है। हाल ही में अमेरिका ने इस अड्डे पर जाते हुए सैटेलाइट की मदद से चीन की तस्वीर जारी की थी। ये अड्डा भारत के नजदीक होने के कारण भारत के विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि चीन के साथ भारत का छोटा सा टकराव चीन का ये अड्डा भारतीय जहाज को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत का अधिकतर व्यापार चीन के इसी अड्डे के करीब से होकर गुजरता है। ऐसे में ये काफी जरूरी है कि खतरों से निपटने के लिए भारत अपनी पूरी तैयारी पहले से करके रखे। ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पानी के नीचे कैसे बनाते होंगे यार, काफी जरूरी है।
दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में हमने जितने भी तस्वीर वीडियो और बातों को बताया या दिखाया है वो मीडिया और गूगल के माध्यम से बताया गया है। हमने ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं बताई जिससे भारत भारतवासियों और जहर बात है वो चीज काम बताता है। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि इस अड्डे को बनाने की योजना एक दशक पहले से ही शुरू कर दी। दशक क्या होता है, मतलब 10 साल पहले ही इस पर तेजी से काम शुरू किया। 10 साल इस अड्डे को बनाने का पहला चरण L&T कंपनी ने शुरू किया था और इस अड्डे के पूरा होने की संभावना 2022 में कुछ नहीं, जिसके बाद भारत इस अड्डे सीक्रेट तौर पे बना रहे हैं ना, और भारतवासियों की रक्षा कर सकता है और अपने नौसेना से जुड़ी गुप्त बातों को भी दुश्मनों से छुपा सकता है। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि ये अंडरग्राउंड नेवल मिलिट्री बेस भारत के लिए कितना जरूरी है। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के साथ। तो ये वीडियो खत्म है यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वजह जाहिर बात है यार, ये अभी मुझे वो पता लगा आखिर पे जो इन्होंने बताया। पहले मैं भी सोच रहा था कि सब कुछ दिखा रहे हैं तो फिर कैसे मतलब सीक्रेट होगा ना, कैसे सीक्रेट हो सकता है, कैसे सीक्रेट हो सकता है जो सब कुछ दिखा रहे हैं, बस मीडिया रिपोर्ट्स और गूगल है वो। लेकिन ये फिर ये मतलब फर्जी पिक्चर्स हैं जो मतलब प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। और मुझे मैं इस बात पे शौक हूँ कि ये पानी के नीचे एक नेवल बेस बनाना कैसे मुमकिन है। मतलब देख एक्वेरियम जिस तरह बनते हैं, जिस तरह ये बनता है इस तरह नेवल बेस, मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल है। और इंडिया अच्छी बात है बना रहे, क्योंकि चाइना 5 बना के बैठा हुआ है, चाइना 5 बना के यूरोप इधर उधर भी बने, उन्होंने भी काफी बनाए हुए हैं। और अभी इंडिया के पास 2 है तो इसमें 12 की जगह है। तो जैसे जैसे इंडिया के पास ज्यादा होती जाएंगी, मतलब और भी इंडिया के पास होंगे यार बेस खाली, लेकिन स्पेशल ये पनडुब्बियों के लिए होगा। मतलब सबमरीन यार, सबमरीन जो होती है बहुत अहम चीज है यार, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एक पनडुब्बी होती है वो वाली खाली एटॉमिक न्यूक्लियर, दूसरी भी महंगी होती है, दूसरी भी होती है लेकिन ये न्यूक्लियर बहुत महंगी होती है। टोटल 5-6 कंट्रीज के पास है और इंडिया में से भी आप दो इंडिया के पास है इस तरह, मतलब कुछ किसी और के पास है तो इस तरह। तो यार ये काफी पावरफुल होती है, मतलब ये कैपेबल हो जाता है एक कंट्री किसी न्यूक्लियर अटैक, पानी से न्यूक्लियर अटैक करने, एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात। और यार अच्छी बात है कि इन्होंने सेव रखनी भी चाहिए यार, इतना बड़ा जब खर्चा होगा तो मुबशर जहर सी बात है, जहर बात और न्यूक्लियर तो रख ही सकते हैं और बकाया दूसरी भी यहाँ पे हम ये लोग रख सकते हैं और बंदे बंदे भी सो सकते हैं अंदर, सब एक पूरा सिस्टम होगा, बिल्कुल एक पूरा वो सिस्टम होता है सारा। सो गाइस आप इसके बारे में वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा और यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।